go. Yeah, 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 yeah. I'm in the whip with authority, looking like Sky Bree, she got a body. Ay. Face, of course. तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप मेरे लेट व्लॉग एंजॉय करते होंगे। अभी मैंने अपनी गाड़ी के लिए मंगाया था ऑनलाइन सामान, आप देख के समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है। ये मंगाए मैंने व्हील कवर हैं जो कि बड़े साइज़ वाले हैं, इसमें एक छोटे वाले भी आते हैं, ठीक लगते हैं, प्लग एंड प्ले हैं, बट मुझे उनका लुक बिल्कुल पसंद नहीं आता। इनको लगवाने के लिए सबसे पहले हमें पूरी गाड़ी के रिम वगैरह, डिस्प्ले वगैरह सब खोलनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे सौरभ भाई, सबसे पहले खोलना पड़ेगा भाई, ये उतारना पड़ेगा टायर, ये भी उतारे टायर, अगर ये उतार के ही सब कुछ अलग होगा। इसको लगाने में बस यही प्रॉब्लम है, बाकी लुक इसका एक नंबर आएगा। अभी एक बार पहले आप गाड़ी ऐसे चेक कर लो, की क्वालिटी चेक करो आप एक बारी। भाई पूरी शक्ल दिख जा रही इसमें, ये देखो चमक। बाकी इसकी प्राइसिंग वगैरह मैं आपको बता दूंगा, आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, और जैसे यहाँ भी लिखी हुई है, ठीक है, आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको ये व्हील कवर चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मंगवा सकते हैं। कितनी देर लगेगी इसे डालने में? आप भी ठीक करके देता हूँ, आधा घंटा। अभी कर दिया भाई ने पूरा टायर अलग, अभी इस समय करना पड़ेगा ये दोनों चीज़ें अलग। ये आपको बोल्ट खोलने से पहले करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से गाड़ी खुली नहीं है, मतलब पहली बार खुल रही है। इसको खोलने में ना बहुत आफत आ रही, इसलिए पहले इसमें भाई थोड़े वगैरह मारने पड़े। बोल्ट वगैरह इसके कल वही रख रखे थे। So guys, अपने एक टायर तो लगभग लगी गया, और इसे लगाने में भी बहुत आफत आई है। पहले तो ये खोलना पड़ा, ये अलग करना, इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी यार इसे खोलने में। और इसे थोड़ा प्यार से कसेंगे ताकि ना क्रैक ना आ जाए। इसका मेटल भी देखो थोड़ा अलग सा है, मटेरियल सॉरी, थोड़ा ग्लास टाइप का है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई मेरा नाम लेके सर्विस कराने आएगा तो डिस्काउंट मिलेगा, डबल लगेगा। तेरे भी लेंगे जो थोड़े बहुत लेंगे। पीछे वाला व्हील कवर तो हो गया भाई पूरा बढ़िया, ये देख लो एक बार लुक कैसा आ रहा। ये हमने निकाल दिया, इसे लगा के थोड़ा लुक अच्छा नहीं आ रहा था। अब बारी है अगले वाले रिम की। तो गाइस फाइनली खुल गया अपना अगला वाला टायर भी। आगे मैं इसे लगा रहा था तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि पीछे का था रे, तो ये इसी हिसाब से कट किया गया था। जो अगले वाले आते हैं वो छोटे आते हैं, तो अभी इसमें ना कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे दोनों टायर में लगवाने के लिए ना भाई, तो ये दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये तो पिछले टायर के हिसाब से काटे गए थे, तो इसमें जुगाड़ करना पड़ रहा है, हल्के हल्के घिसने पड़ रहे हैं। भाई हुआ ये दोनों साइज़ से मंगाने का नतीजा, ये देखो कटिंग कैसे हो रही है, इस तरह से काटना पड़ा क्योंकि फिट नहीं आ रहा था। आपको फिनिशिंग देनी पड़ेगी इसमें, बट ये कि यहाँ पर ना डिस आ जाएगी तो आपको इतना दिखेगा नहीं। तो भाई मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगा कि जब आप लगवाओगे ना तो फुल वाले लगवाओगे तो थोड़ी बहुत कटिंग करवानी पड़ेगी, इसलिए रिस्क मत लेना, वो तो भाई थे जिन्होंने कर दिया। सो गाइस फाइनली अपनी बाइक पे इंस्टॉल हो चुके थे व्हील कवर, और एक बार आप लुक चेक कर लो कैसा आ रहा है। पहले मैं आपको इससे सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ कुछ, उसके बाद थोड़ी बात करते हैं। ये देख लो, एक बार ये लुक चेक कर लो। अब इधर की तरफ से अगर आपको दिख रहा होगा, जो मैंने पहले आपको दिखाया था, देखो कट कट के कर रहे हैं, बट ये कि डिस्प्ले की वजह से दिख नहीं रहे हैं। बाकी तो बहुत प्यारा लुक आ रहा है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरी इंस्टा आईडी आपको वहाँ पर दिख रही होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।